एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे आप सब मुझसे शेयर करना। तो आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ बहुत ही जल्दबाजी में स्टार्ट। यस, और कुछ गिर भी गया, पता है, कुछ कमेंट्स फिर से गिर गया। कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, आपकी डाइनिंग टेबल, वो ड्रेसिंग टेबल पे कितना सारा सामान रखा हुआ है। तो यस, आई नो, मुझे इसको ना ठीक करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, वो मैं करूँगी। बट फिलहाल मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, मैंने सोचा यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और मुझे भी ऐसी चीज़ें बिखरी हुई और गिरती पिरती पसंद नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है। तो बहुत जल्दबाजी वाला व्लॉग स्टार्ट करें, और मैं कहीं जा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे फटाफट से तैयार करना है, मैं देख रही हूँ। हाँ, अभी मैं जा रही हूँ, सबसे पहले अपना नेल पेंट रिमूव कर लूँ। मेरे पास ना नेल पेंट की कमी हो गई है, मैं ढूंढ रही थी, वैसे भी अभी थोड़ा मैस है, तो मुझे ये मिला नहीं जो मैंने लगा के रखा है, बहुत अच्छा निकला है। मैंने ना ट्रेंड से लिया था, बहुत प्यार, मतलब लगा लो इसको तो ये छूटता नहीं है काफ़ी देर तक, तो वो मुझे दिख नहीं रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, कुछ अलग ट्राई करते, क्योंकि हर बार मैं यही लगा लेती हूँ ना, तो मैं बोर भी हो गई थी थोड़ा सा उसे। तो मुझे छुपी हुई ये दिख गई, ये देखिए, ये वाली नेल पेंट पिंक कलर की, ये मैं लगाऊंगी आज। और ये दी थी मुझे मेरी नेहा दी ने, वो लेकर के आई थी यूएस से मेरे लिए, तो एक और लेकर के आई हैं वो भी है। और ये मैंने सोचा मैं पिंक वाली लगाती हूँ, अच्छी लगेगी। और एक लिपस्टिक लेकर के आई थी, और डे टू के लिए कपड़े लेकर के आई थी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फटाफट से मैं नेल पेंट छुड़ा लूँ। मैंने पता है लाइफ में सबके बहुत नेल पेंट मेहंदी बहुत लगाई है। मेहंदी तो मैंने पूरे खानदान भर के लगाई है, मुझे याद भी नहीं मैं कब से मेहंदी लगाना शुरू कर चुकी हूँ। बट मेरे लगाने वाला, चलिए बाद में मिलते हैं। मैं ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ, बस मुझे ना कान के इयररिंग और बैंगल रह गया है। मैंने सोचा कि कुछ सिंपल पहन लूँ, फिर मेरा मन किया सिंपल सिंपल तो रहती है, तो ये वाले पहन लेते हैं। कुछ और तो वैसे कर नहीं रही हूँ, आप देख सकते हैं, सिंपल सा सूट है और वो सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ मैं। तो कैसे लगेंगे अभी मैं ट्राई करके देख रही हूँ। मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और आईलाइनर लगाया है, तो मैंने पहन लिए हैं ये वाले इयररिंग्स। कैसे लग रहे हैं बताना। वही बात है ना, मेरे पास इतनी ज्वेलरी है बट पहनने का वही नहीं लग पाता है, हर जगह सिंपल सिंपल बन के चले जाओ, ज्वेलरी बेचारी रखी रह जाती है। हाँ अच्छा, तो अब ठीक लग रहा है ना, सूट के ऊपर ये स्टाइल अच्छी लगती है और डिस्टर्ब भी नहीं करते, बार बार चेहरे पर भी नहीं आते हैं, और क्या बोलते हैं, इयररिंग जो पहने वो भी दिखते रहते हैं। तो अब मैं पहनने जा रही हूँ ये वाले बैंगल्स, देखिए कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। देखिए मेरी मम्मी लेकर के आई थी मेरे लिए, कितने ब्यूटीफुल हैं। साथ का दुपट्टा है ना, वो मैं नहीं डाल रही हूँ, अब उतनी भयानक वाली ठंड नहीं हो रखी है। बट ये है कि मैंने इसके अंदर वूलन वाला इनर पहन लिया, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, और दिन में वैसे भी लगती है। और ये देखिए इस तरीके से मेरा लुक होता है कंप्लीट। ये बाल पीछे रखती हूँ अब से, ये मेरा लुक हो गया कंप्लीट। कैसी लग रही हूँ बताना, ये मुझे लेने आ रहे हैं, मेरी कार कहीं ऑक्यूपाइड हो गई है, तो ये मुझे स्कूटी से लेने आ रहे हैं, तो अब मैं स्कूटी से जाऊंगी। तो चलिए फटाफट से जहाँ जा रही हूँ वहीं आपसे डायरेक्ट मिलूंगी, और बताती हूँ फाइनली कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ, क्या ओकेज़न है, क्या पार्टी है। पार्टी ही है, पार्टी करने जा रही हूँ, तो किस चीज़ की है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे वहीं पर डायरेक्ट। फंसी बैठी हूँ मैं इतनी जद्दोजहद में भी व्लॉग बना रही हूँ,
यही तो तुम्हारी हुआ है। I'm looking good. Mommy looking very hot. और उसका लुक देखा हो? क्या हो गया? उनका देखो लुक। इतना सवेरे अपना लुक। ये क्या हुआ? हैरान परेशान हो। बस हो गया? हो गया। चलो जी हम लोग आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। मम्मी बहुत सुंदर लग रही है। बहुत ही सुंदर। मैं ठीक लग रही हूँ मम्मी ये बताओ तुम। सही तुमने देख के मुझे अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली कि मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं आई हूँ एक गृह प्रवेश की पूजा में। ये बेटू की फ्रेंड है उन्हीं मतलब क्या बोलूँ, ये मम्मी के सामने जो रहते थे ना जो बेटू की फ्रेंड वगैरह थी उन्हीं लोगों ने घर लिया है। तो मैं आई हूँ पूजा में और काफ़ी पहले से ही मामा से बोल दिया था कि मामा ही पूजा कराएं क्योंकि मेरे मामा बहुत अच्छी पूजा कराते विधि विधान से, इस वजह से। और अभी मैं आपको ये घर भी नया दिखाऊंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना घर कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत सुंदर लगा, बहुत प्यारा लगा। और फिर खुद का घर तो प्यारा होता ही है ना, और वैसे बना भी बहुत अच्छा है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आप लोग कमेंट करना कि कैसा लगा घर। और बस अपना प्यार और ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। आपको दिल से थैंक यू इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और आगे का ब्लॉग पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। वहाँ की जो पूजा है उसमें काफ़ी टाइम था तो मैं आ गई हूँ घर और अब पीने जा रही हूँ चाय। मम्मी ने बनाई है बढ़िया सी चाय। ये कप कैसा लगा बताना? मुझे बहुत अच्छा लगा। पीछे मार्केट से लिया था प्रोसेस। ये कप लिया था कब मम्मी? दिवाली पे। अच्छा लगता बहुत। नन्नू को आलू का पराठा दिया था तो नन्नू ने खाया नहीं। देखिए क्या करके छोड़ा ये देखिए। मैंने कहा चलो नहीं खा लेती हूँ। पूजा में अभी 2 घंटे और लगेंगे। ये
बनने जा रहे फेवरेट आलू। जब ये बन करके रेडी हो जाएंगे तब देखना, मैं हमेशा यही खाती हूँ और बहुत टेस्टी लगते हैं। वहाँ के हाथ के खाने कोई जोड़ी तोड़ नहीं है। ये देखो दावत में आई हूँ, आलू हमसे बनवा रहे हैं। अभी दावत में टाइम है ना, दावत में आई हूँ, आलू हमसे बनवा रहे हैं। अभी दावत में टाइम है तो इतने सुपर्ब यम्मी, ये चाय मैं कैसे भी बना लूँ ये टेस्ट आ ही नहीं पाता है। मैं वो वाले आलू बनाती हूँ, चटनी वाले। अभी हम खिलाएंगे, जिस दिन आओगे उस दिन बनाएंगे। इतने टेस्टी हम क्या खिलाएं। तो ये आलू रेडी हो गए हैं, बट मैं चम्मच से नहीं खाती हूँ। तो मैं किससे खाती हूँ, मैं इससे खाती हूँ। नन्नू ये लो, ये रखाओ। बने अच्छे हैं, बहुत गर्म है ना। बस मैं नन्नू और मम्मी जा रहे हैं फिर से जहाँ पूजा हो रही है वहां पर। चलो पास में ही है उनका फ्लैट, दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और लिफ्ट की लाइट खराब हो चुकी है, इस वजह से चलो आगे रोशनी में। अरे हो गई पूजा, पूजा हो गई। चलो हाय बोलो। हाय सुंदर सी लड़की कौन आ गई है। अच्छा सा पूरा फोटो ले। अरे अरे बहुत फोटो लेगा, फोटो फोटो ले ली ले ली ले ली। आ जा नन्नू, आ जा, चलो साथ में ही चलेंगे। लो जो है हम जिनके भरोसे जा रहे थे वो तो यहाँ गए। मैंने मंगाया था लैपटॉप काम करने के लिए और ये मेरा चार्जर। आओ बैठो पढ़ो। अच्छा मेरा पोती घर आया, ओ राम जी मेरा पोती घर आया। इसे खोलो लैपटॉप को, एक हाथ से खुल नहीं रहा। चार्ज भी है, यहाँ चार्ज तो नहीं है बेटा, 36% है ओनली। ओह गॉड, काम काम काम। मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर रही हूँ तो टाइम का यूटिलाइज करूँ, मैं काम ही कर लेती हूँ। तो वही मैंने इनसे लैपटॉप मंगा लिया था। कहाँ चले गए गए मेरे। अभी नहीं हो रही है, पांच मिनट के लिए ऊपर नीचे कर रहे हो तुम लोग। चलो उधर कोई नहीं जाएगा, चलो इधर इधर आ जाओ, गिर जाओगी। इन लोगों को चैन नहीं है, 10 बार ऊपर नीचे कर चुके हैं। अब सही है, अब कम से कम आराम से परस जाएगा। लड़के बताओ। सफेदी की चमकार नन्नू का एकदम नहीं हुई। चलो 1 2 3 स्टार्ट। भैया नहीं दे रहा ना, भैया के लिए बैठ जाओ, नहीं खड़ा ना भैया। ऐसे तो नहीं खड़ा ना भैया,
छुपे हैं? नहीं आ रहा। ए भगवान, ला भैया ला, वहां का जा उसकी रेड़ पिट गई यार, शर्मा आ गया। गुड़हल का फूल बन गया है गुलाब से। बस करो, उससे दुश्मनी है क्या? लो, अरे उसे मत दो, उसमें कांटे लगे हैं। दुनिया गोल है, जिसने दिया था उसी के पास आ गया। लो चलो, अपना हेलमेट ले गया ना यहाँ पे। बस खुश। रुको एक सेकेंड, रुको रुको रुको, चप्पल घुस गया है, देखो जरा। हे भगवान, बताओ। वो कुछ अंकल कुछ पूछ रहे हैं। यू भी अंकल कुछ पूछ रहे हैं। कहाँ लौट के आए, कहाँ लौट के आए? तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं जा रही हूँ अपना काम करूंगी, थकान तो हो गई, थोड़ी सी हो जाती, खाना खाने के बाद तो और ही ज्यादा आलस आता है। मैंने कान के उतार दिए हैं क्योंकि हल्के से कान में दर्द, आदत नहीं है ना तो दर्द सा होने लगता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। वाला ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया उसे एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।